दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सेठ एसडी बिहानी ला पीजी कॉलेज। एंड सिर्फ पढ़ाई का फोकस नहीं करवाते हम, बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, NSS, NCC फोकस करवाते हैं ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं, उसका सर्वांगीण विकास हो। हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा नर्सरी में भी है ना, तो नर्सरी से ही वो कंप्यूटर सीखे, थर्ड ऑनवर्ड वो कोडिंग सीखना शुरू कर दे, सिक्स क्लास में जाते ही वो प्रोजेक्ट बना ले, और अगर उसको कोडिंग के साथ प्रोजेक्ट बनाना आ गया, वेब डेवलपमेंट आ गई, उसको गेम्स बनानी आ गई, तो वो एक अपना स्किल डेवलपमेंट करके एक अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। लोग इसको अपने आप में देख पाए, एक मॉडल कॉलेज हो, और स्टूडेंट जो यहाँ से निकले वो इस लेवल का हो कि वो ग्लोबल लेवल पे भी अपना कंपटीशन अपने दे सके। कॉलेज की एक अलग जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है कि 80% स्टूडेंट गवर्नमेंट में प्लेस्ड है। गंगानगर का एक स्थापित कॉलेज है हमारा, आपने उसकी मूट कोर्ट भी देखी होगी। मूट कोर्ट हमने बिल्कुल मजिस्ट्रेट के चैम्बर की तरह बनाई है। LLB LLM करने के बाद बच्चा जुडिशरी सर्विस में भी जाता है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता है। जब उसको कोर्ट की वस्तु स्थिति का या भौगोलिक स्थिति का ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो क्या प्रैक्टिस करेगा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सेठ एसडी बिहानी ला पीजी कॉलेज, और अभी हम कवर करते हैं और देखते हैं कि ये है कानूनी दीवार। देख सकते हैं कि बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ लैस ये कैंपस है। ये यहाँ की लाइब्रेरी है, हम देख सकते हैं कि लाइब्रेरी भी बुक्स के साथ लैस है, पूरी बुक्स इसमें लाइब्रेरी में। एसडी ला कॉलेज बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना कॉलेज है। कैन सी दिस इज द मूट कोर्ट हॉल। यहाँ पर बच्चों को परिपक्व किया जाता है, जो बच्चों ने वकील बनना है, आगे जाकर कैसे बहस करनी है। जैसे जजेस बैठते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं, वकील जो बहस करते हैं, वैसे ही MBSC जो है यहाँ पर दिया गया कि बच्चों को वही प्रैक्टिस हो। इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉ, हम देख सकते हैं फॉरेंसिक साइंस लैब है ये। डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस है जो लॉ डिपार्टमेंट की है, और इसके अंदर वही सब कुछ सिखाया जाता है बच्चों को, जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं या स्केल्टन्स हैं, जैसे किसी की हत्या हुई तो कैसे हुई, कितनी दूरी से हुई, गोली चली तो कितनी दूरी से चली, ये सब कुछ इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। यू कैन सी द कंप्यूटर लैब, वी कैन सी लेटेस्ट कंप्यूटर्स आर हियर। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एसडी कॉलेज जो कि एक विद्या का चैनल मुनारा है, और जिसमें हम देख रहे हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, और बच्चों को बहुत ही बढ़िया MBS में फुली AC और बहुत ही बड़ी MBS में यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं, क्या करें? सर, बिहानी संस्था का पार्ट है ये हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट एसडी कॉलेज के अंडर में। BCA और मास्टर डिग्री कोर्सेज यहाँ पर रन हो रहे हैं ऑलरेडी, और जिस तरह से क्रेज इस टाइम कोरोना के बाद IT डिपार्टमेंट्स के अंदर परफॉर्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ के गंगानगर के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन बच्चों को मिला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी कंप्यूटर्स हमारे पास हैं वो सारे यहाँ पे लगाए गए हैं। बच्चों को, हर एक बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, और ये बूम है एक
क्योंकि जितनी भी जॉब्स आईटी के अंदर इस टाइम परफॉर्म हो रही हैं वो किसी भी सेक्टर में नहीं है। आप चाहे आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स लीजिए, किसी भी ले लीजिए, ठीक है। और बच्चे फुल इंटरेस्ट के साथ अपना वर्किंग करते हैं और इतना मतलब कि हमने इतना चार्म पहले नहीं देखा इतना बच्चों में है। पहले तो ये होता था बच्चे मिस करते थे, अब इस टाइम ऐसा कि फुल स्ट्रेंथ बच्चों की आती है और फुल बच्चे मतलब यहाँ पे आके अपना अपना प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। और बिहानी संस्था हमेशा पहला प्रेफरेंस ये रहती है कि बच्चों को हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। मेरे ख्याल से गंगानगर के अंदर ऐसी लैब किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं है, ठीक है। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कॉलेज के अंदर परफॉर्म नहीं होती, तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात है कि हमें वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और बच्चों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो सभी प्रैक्टिकल्स करने के लिए मिल रहे हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं जो शायद ये बाद में मास्टर डिग्री में बाहर जाके परफॉर्म करेंगे। तो भारत की जो जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर इनको मिलती है इस उम्र के अंदर और इस स्टेज के अंदर, तो मेरे ख्याल से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए और सभी को उसको इनकैश करना चाहिए। लैब्स हैं, लैब वन इस साइड में है, 40 कंप्यूटर्स यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। टोटल 150 सिस्टम है टोटल ओवरऑल 3 लैब्स के अंदर। तो BCA फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, तो फर्स्ट लैब 40 सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। टोटल 120 स्टूडेंट्स हमारे पास BCA के अंदर, तो तीनों लैब्स के अंदर डिवाइड इक्वली वो परफॉर्म करके अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे हैं। विजुअल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, हर बच्चा अपने सिस्टम पे बैठता है और अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करता है। ये थर्ड लैब है हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट टू लैब्स के बाद जो बच्चे हैं वो थर्ड लैब के अंदर यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म, तो ओवरऑल 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है पूरे IT डिपार्टमेंट को, ठीक है। और फुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है यहाँ पे, किसी तरह की कोई भी बच्चों को हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास जो टाइमली उनकी इंक्वायरीज को सारी जो एरर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। प्रॉपर फैकल्टीज हैं, क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं जो अपने अपने लेक्चर्स को और अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट्स हैं। तो ये ओवरऑल हमारे डिपार्टमेंट्स का। ये स्मारक इस ट्रस्ट के संस्थापक सेठ गिरधारी लाल बिहानी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तीजा देवी बिहानी जी का है। ये जो आप ट्रस्ट ये सारी संस्थान देख रहे हैं इसके मूल सूत्रधार जो हैं सेठ गिरधारी लाल जी ही थे। 1951 में इस ट्रस्ट की स्थापना की गई और एक स्कूल से शुरू होकर आज ये ट्रस्ट जो है वटवृक्ष बन चुका है। हम देख सकते हैं कि हरे भरे कैंप्स हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि आप लोग आएंगे तो आपको बहुत ही ग्रेस यहाँ पर महसूस होगी। विद्या के दान ने ये कॉलेज जो पिछले लंबे समय से विद्या का दान दे रहे हैं और क्रिएटिव विद्या, क्योंकि ये इन्होंने अपने आप को समय के साथ चेंज किया और वो विद्या जिसका आज ज़रूरत है उस पे इन्होंने एम्फसाइज़ किया। क्या कहना चाहेंगे कि ये कॉलेज पिछले लंबे समय से सेवाएं कर रहा है और बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बनता। लास्ट कई सालों से इस शिक्षा का सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसमें हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की अलग अलग क्लासेस चलाते हैं बच्चों के लिए एंड सिर्फ पढ़ाई का फोकस नहीं करवाते, हम बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ NSS NCC फोकस करवाते हैं ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं उसका सर्वांगीण विकास हो। और जो जिस उद्देश्य के लिए इस कॉलेज की स्थापना हुई है हम उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। बाकी हम कितने कामयाब हुए ये तो आप तोल के बता सकते हैं हमें। जो हमेशा इस बात में है कि आपको क्या चाहिए, उनको ये नहीं होता कि आप हमें क्या देंगे, उनका मतलब हमेशा ये रहता है कि क्या चाहिए आपको, कि इस क्रिएटिविटी में लगा रहे। क्योंकि कॉलेज जब से बना है तब से कोई मिस्त्री नहीं हटे हैं, तब से कोई ना कोई नई चीज़ आती रहती है, कोई नए कोर्सेज आ गए, नई बिल्डिंग में अमेंडमेंट होगी। क्या कहना चाहेंगे? अब इस संस्था के साथ 2006 से है एंड मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल ऑफिस में या मैनेजमेंट के पास तक लेकर गए हो और उन्होंने डिनाई किया हो। कमी शायद हमारे तरफ से ही रहती है कि हम कुछ नया सोच नहीं पाते कई बार, अदरवाइज़ उधर से तो ग्रीन सिग्नल हमेशा ही रहता है। और स्पेशली जो एक बात पे मैं एम्फेसिस करना चाहूँगा कि कोई भी गरीब बच्चा अगर आ गया यहाँ पर पढ़ने के लिए तो हमारे ऑनर का ये मत है कि कोई भी बच्चे की पैसों के कारण से शिक्षा में उसके अभाव ना रहे।
उसकी 100% स्कॉलरशिप्स भी होते हुए मैंने यहाँ पर बहुत बार देखा है। तो ये एक सकारात्मक सोच है जिसको लेकर उन्होंने एक पौधा लगाया जो वट वृक्ष बनने की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। जी धन्यवाद जी। उन बच्चों के साथ जो अभी 15 अगस्त की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें क्रिएटिविटी, जिसमें एनर्जी लेवल्स हमारे हैं जो उनको बूस्ट किया जाता है, और हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिकली जो है यहाँ तैयारी भी कर रहे हैं। बेटा स्वागत है आप सबका हमारे स्पेशल शो में। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोग अभी अपना 15 अगस्त की तैयारी भी कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और वो आज़ादी जो हमें बहुत ही मुश्किल से मिली है उसके लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं, और एस डी कॉलेज हमेशा हमें पॉजिटिव करता है इन चीज़ों के लिए? मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और स्कूल में तो ये सब कुछ नहीं होता ज़्यादा, तो कॉलेज में तो काफ़ी फ्रीडम होती है। तो सबसे स्पेशली हमारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है और अच्छे से हमें ट्रेन कर रहा है डांस। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि इन इवेंट्स के साथ हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, फिर हमारा दिल पढ़ाई को भी करता है, क्योंकि जब हमें ग्रीस लगती है हमारा एनर्जी लेवल चेंज होते हैं तो हमें बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है वो पढ़ाई पे नहीं ज़्यादा फोकस, वो सब पे करता है ताकि बच्चे उस चीज़ से अके ना, यानी कि वो डिप्राइव ना हो, उनको ये ना लगे कि पढ़ाई ही सब कुछ है, वो सब कराते हैं ताकि वो पढ़ाई में और ज़्यादा आगे रख सके बच्चों को। बेटा कैसा कॉलेज है? बहुत बढ़िया। जो हमारा स्टाफ है हमें बारी बारी मोटिवेट करता रहता है हर चीज़ के लिए, स्टडी में, एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ के लिए जो हमारा स्टाफ है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सर, हमारे मैम हमसे बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं, हमको इस तरह समझाते हैं। मतलब गंगानगर का सबसे बेस्ट कॉलेज है। अभी तक हम लास्ट ईयर में भी थे, हमारे साथ सब कराया इन्होंने, स्टडी भी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्पोर्ट्स भी होती है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। सर मैं तो अभी आई हूँ, फर्स्ट ईयर है, इतना अच्छा लग रहा है। 15 अगस्त में मैम ने बोला कि आओ पार्टिसिपेट करो, तुम्हें तब पता चलेगा कितना अच्छा होता है, और मैम और सारे इतने सपोर्टिव है कि हमारी स्टडीज़ भी नहीं रुकती, उन्होंने एक बार स्टॉप करा दी कि बच्चों का ना रह जाए। सर बहुत अच्छा कॉलेज है। तो रहा आपके इस कॉलेज? सर बहुत ही अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है, और काफ़ी अच्छी स्टडी है यहाँ, और यस डाउट्स भी सारे क्लियर होते हैं, और अच्छी स्टडी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव भी है। सर बहुत अच्छा है। यस कर रहे हैं, जीएस पोस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं एसडीपीसी कॉलेज से। वेरी गुड, एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। और पढ़ाई में भी बढ़िया हो ना? बिल्कुल जी, पढ़ाई में भी बेस्ट है, 2 साल का टॉपर है, फर्स्ट सेकंड ईयर। वेरी गुड, बढ़िया जी। अभी हम हैं बिहानी चिल्ड्रन एकेडमी, जो कि एक मॉडर्न एरिया के साथ साथ जो चेंजिंग है वो इन्होंने की है, और इस स्कूल को एक ऐसा विद्या का मंदिर बनाया है जिसमें हर तरह की क्रिएटिविटी मौजूद है। मैडम, बिहानीज चिल्ड्रन एकेडमी जो कि एक क्रिएशन है उन लोगों की जिन्होंने पिछले लंबे समय से विद्या का दान दिया है, और जो समय के साथ साथ अपने आप को बदलते रहते हैं, और उसी बदलाव का ये बयानी चिल्ड्रन एकेडमी जिसमें क्रिएटिव स्टडी और नई नई चीज़ें आप लेकर आएँ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि ये शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में है, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बच्चों को, यहाँ के गंगानगर के सभी बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पहले तो स्टार्टिंग में इन्होंने ही स्टार्ट किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया, उसके बाद कॉलेज, देन फार्मेसी लेके आए, कॉलेज में भी बीएड लेके आए, देन लॉ। तो जितना ये बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं
तो बच्चों को देने की कोशिश की है ताकि गंगानगर के बच्चे भी बाहर निकल के अपने आप को उस लेवल पे सेटल कर सके कि एक जिसमें अपना करियर वो एक अपने आप को करियर एक अच्छा करियर ऑप्शन प्रदान कर सकें। सो उसी तर्ज पर एक आईबी का इंकल्केशन, आईबी इंटरनेशनल बकलोरियट बोर्ड जो है स्विट्जरलैंड का बोर्ड है और उसके थ्रू एक इनिशिएटिव हमने गंगानगर को दिया है कि जिसके थ्रू अगर आप 12th पास करते हैं तो उसमें आपको किसी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, येल, किंग्स, एनी यूनिवर्सिटी, यू विल गेट द डायरेक्ट एडमिशन। मीन्स यू नीड नॉट टू अपियर इन आयल्स, जीमैट और टॉफिल, एनी ऑफ द एग्ज़ाम। सो आफ्टर 12th बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन बाहर मिलेगा, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में। वो किसी भी जगह जाते हैं तो उनके स्कोर पे, उनके ग्रेड के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोच के साथ शुरू किया गया है जो हिमांशु जी बिहानी ने, उनका एक सपना है कि हम गंगानगर को इंटरनेशनल बोर्ड का एक ऐसा स्कूल दें जिसमें वो आएँ, पढ़ें और आगे बढ़ें। मैडम, अगर हम बात कर लें यहाँ के बच्चों की, जो एडमिशन से ही उनको प्ले वे से ही एक ऐसी स्ट्रेटजी में डाल दिया जाता है कि वो लोग आईबी वाले हैं, वो लोग इंटरनेट की दुनिया वाले हैं, वो लोग इतना क इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए उनको इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को ही जो है गाइड किया जाता है, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, क्या कहना चाहिए? क्योंकि आने वाला टाइम हमारा है ही टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग कहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें हमें कोरोना ने सिखा दी हैं, कोरोना की वजह, थैंक्स टू कोरोना, कि कोरोना ने हमें आईटी में इतना आगे बढ़ा दिया कि जो लोग नहीं भी सीखना चाहते थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब उस चीज़ को हम छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड नहीं छोड़ रहा है, तो हम भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर अगर करना ही है तो बाद में क्यों नहीं स्टार्टिंग से। तो इसीलिए ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा नर्सरी में भी है ना तो नर्सरी से ही वो कंप्यूटर सीखे, 3rd ऑनवर्ड वो कोडिंग सीखना शुरू कर दे, 6th क्लास में जाते ही वो प्रोजेक्ट बना ले, और अगर उसको कोडिंग के साथ प्रोजेक्ट बनाना आ गया, वेब डेवलपमेंट आ गई, उसको गेम्स बनानी आ गई, तो वो एक अपना स्किल डेवलपमेंट करके एक अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। और यही NEP ने किया है। अभी NEP 2020 का जो मोटिव है वो भी स्किल बेस्ड बच्चों को आगे बढ़ाना है, इसीलिए उन्होंने AI और कोडिंग जैसे, पाइथन जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो हम तो उसी तर्ज पे ही चल रहे हैं, उसी को बेस लेकर कर चल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर दे सकें और उनको करियर ऑप्शंस मैक्सिमम प्रोवाइड करवा सकें। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि एक ही छत के नीचे बच्चा आता है, चाहे वो उसने ला करना है, चाहे उसने बाहर फ्लाई करना है, चाहे उसने फार्मेसी के फील्ड में जाना है, कि एक ऐसा नेटवर्क है इस कॉलेज में, इस इन विद्या की इंस्टीट्यूशंस में, कि बच्चा आता है और वो ग्रो होकर और फ्लाई होकर जाता है। देखिए, हम नर्सरी से बच्चों को लेते हैं, नर्सरी से हमने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उन एक पेरेंट को ये एश्योरेंस दे दी कि जब बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलेगा तो वो कुछ बन के निकलेगा। इससे बड़ी एश्योरेंस देखिए और क्या हो सकती है। और उसके आगे इंटरेस्ट क्या है, जितने भी इंटरेस्ट है उनमें से हम मैक्सिमम को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग BEd यहाँ पे अगर टीचर ट्रेनिंग है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, फार्मेसी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, लॉ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, द चाइल्ड कैन ऑप्ट। और स्टार्टिंग से ही अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में तो हम पहले से ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर के फील्ड में तो हम उनको पहले ही रेडी करके भेज रहे हैं। तो जैसे ही बच्चा अगर यहाँ से 12th करके या आगे कोई भी कोर्स करके निकलता है तो वो एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है कि वो जा करके अपना सर्वाइवल खुद ढूंढ सकता है। वो आगे अगर स्टडी फर्दर भी करना चाहे तो इतना ज़रूर है कि वो अपनी स्टडी को खुद फंडिंग कर सकता है, तो पेरेंट्स के ऊपर वो बोझ नहीं बनेगा। सो दिस इज़ द मोटिव। थैंक यू मैम। मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें तीनों बच्चे अलग अलग बोर्ड में हैं, एक RBSE, एक CBSE और एक IB बोर्ड। मुझे सबसे अच्छा IB बोर्ड लगा क्योंकि एक महीने में जो रिजल्ट मैंने देखा है अद्भुत है। बच्चे का जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते आए हैं पर बोलते नहीं आए, और उन्होंने जो आज बोलने की जो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी है, मुझे लगता है भी वो इंग्लिश को मतलब भी हिंदी की तरह ही अपना लेंगे।
talking about topic, that is mime. Right? Mime is just to explain anything without using words or language. With body gestures, with all these things, children, they show their emotions. If I give you one emotion and you have to perform on that, Disha, Diksha, please come. सर, बिहानी परिवार जिसने सारी ज़िंदगी सेवा में लगाई है, विद्या के दान में लगाई है, और अभी हम जिस संस्था में बैठे हैं वो एक पेरेंट संस्था है जिससे ये बूटा लगा था और आज शानदार पेड़ का रूप धारण कर गया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये सही बात है। शेर गिरधारी लाल जी बिहानी ने सबसे पहले अपना की थी, इसी संस्था से सारी संस्थाएँ धीरे 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 बन करके और आज जो बिहानी शिक्षा न्यास जो वटवृक्ष का रूप लिए बैठा है उसकी जड़ यही संस्था है कि आप चाहे आपका लगा लें, चाहे दूसरे सर का लगा लें, सारी फैमिली का लगा लें, तो फैमिली एक जैसे 9 मास का रिश्ता है उस तरीके से इसमें इंडल्ज है। आमतौर पर हम देखते हैं संस्थाएं प्रधान होते हैं, वो कभी आगे कभी नहीं, जैसे आप इंटरवीन कर रहे थे और इतनी मतलब मेहनत के साथ आप लोग साथ में स्वयं कर रहे हो, यही कारण है कि ये जो बूटा है वो फल फूल रहा है, उसमें आप पानी भी दे रहे हो। और जैसे हमने देखा पिछले दिन जैसे कन्हैया मित्तल का जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें मज़ा आ गया कि इस परिवार ने धार्मिक कार्यों के लिए कितनी बड़ी जो सेवा की। इसके संबंध में तो विशेष बात यही कहने वाली है कि हमारा जो मूल भाव है वो सेवा भाव है। शेर गिदैलाल जी मेरे नाना जी थे, उनका भी वट वृक्ष लगाया हुआ है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मतलब जितना मेरे से उसमें सहयोग हो सके उतना मैं सहयोग करूँ, और जब ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल तो सकारात्मक मिलना ही मिलना है। यही भावना, इसी भावना से, सेवा भाव से ही काम करने की हमारे को मतलब प्रेरणा मिली है और उसी भावना से ही काम करते हैं। सर, मैं बता दूं कि ये 1951 से गंगानगर की पहली संस्था है शिक्षा क्षेत्र में, और मुझे बड़ा, मैं कहूँ जी, गौरव का अनुभव होता है कि मैं इसी संस्था का प्रधानाचार्य हूँ। जो मुझे सम्मान मिला इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय जी का भी आभारी हूँ। और बिल्कुल यहाँ क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया जाता है, समय समय पर ऐसी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ जो हमारी कल्चर उसका नॉलेज भी मिलता रहे, बच्चे सभ्य बने और जो हमारी सभ्यता उसको समझें। छिहत्तर साल हो गए देश के प्रति प्यार इतना और उत्साह इतना 15 अगस्त को लेकर, हमारे देश का प्राइड है, 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं तो हमारे अंदर तो उत्साह तो रहेगा ही। हमारा देश है, हम अपनी खुशियां तो अपने इस तरीके से, चाहे फार्मेसी करें चाहे MBBS करें, हम तो अपना व्यक्त करेंगे ही करेंगे। और इस कॉलेज का क्या रोल है, कॉलेज के वाले जैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं साथ में, वो भी तो हमें प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने देश के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में जानें, हम लोग साथ मिलके रहें। जैसे अभी इतने साल हो गए तो उसको भी याद करें कि किन किन लोगों ने अपने लिए शहीदी दी थी, क्या क्या किया था, तो उस सब को भी मेमोराइज़ करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम पर हम अपने कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म करें। इंजॉय करें सभी, कॉलेज तो हमारा फुल सपोर्ट कर रहा है, टीचर भी, प्रिंसिपल सर भी, सारे लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हमें चाहिए सारी चीज़ें भी हमें दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छे से करो, बस हमें परफॉर्मेंस देनी है अपनी अच्छे से।
ये जो लैब है ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैब, फार्मेसी का एक मॉडल मैन्युफैक्चरिंग लैब है और ये पूरे राजस्थान में, राजस्थान भी क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने आप में एक अनूठी अनोखी लैब है जिसमें के सेक्शन वाइज इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें लिक्विड सेक्शन, पाउडर सेक्शन, टेबलेट सेक्शन, इसी तरह से इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन और ऑइंटमेंट सेक्शन, इंजेक्टेबल सेक्शन, इन सभी सेक्शंस को मिलाकर के बच्चे ट्रेनिंग और साथ साथ रिसर्च की एक्टिविटीज़ भी उसके हिसाब से की जा सकती हैं। इस लेवल की ये लैब सेटअप की हुई है। चाहेंगे कि बिहानी जी का जो सपना है इस एरिया में एजुकेशन की हब बनाना, और उसमें जैसे पहले स्कूल स्टार्ट हुआ उसके साथ साथ कॉलेज स्टार्ट हुए, और जब उन्होंने देखा कि मॉडर्न ही रहा है और फार्मेसी की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसको देखते हुए यहाँ पर डी फार्मेसी और अनदर कोर्सेज हैं जो स्टार्ट किए गए, क्या कहना चाहिए? बी फार्मेसी इस मैनेजमेंट का मेडिकल की तरफ बढ़ने का एक सपना था। 2001 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ जो कि बीकानेर डिवीज़न का पहला कॉलेज था। ये पहले दिन से ही हमारी मैनेजमेंट और पर्टिकुलरली हमारे चेयरमैन साहब के मन में जो बात थी कि इसको ऐसा कॉलेज बनाना है कि जो लोग और स्टूडेंट लोग इसको अपने आप में देख पाएँ, एक मॉडल कॉलेज हो, और स्टूडेंट जो यहाँ से निकले वो इस लेवल का हो कि वो ग्लोबल लेवल पे भी अपना कंपटीशन अपने दे सके। पहले दिन से ही हमने इस कॉलेज में लैब्स का जो सेटअप किया है, इक्विपमेंट का जो सेटअप किया है, इंस्ट्रूमेंट्स जिस लेवल के हम लेके आए हैं, टोटली वर्किंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक मॉडल छोटा रख दिया जिस पे काम नहीं हो सके, बहुत बड़ा रख दिया जिस पे काम नहीं हो सके। ऐसे स्मॉल स्केल वर्किंग वाली इंस्ट्रूमेंट्स इस कॉलेज में सभी लैब्स में आपको मिलेंगे जिससे कि स्टूडेंट प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख पा रहा है। 19 बैच हमारे इस कॉलेज से निकल चुके हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज की डेट में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा आपको जो कहीं ना कहीं घर पे बैठा है अपनी। और एक और खासियत फार्मेसी की जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि डाइवर्सिफाइड कोर्स है जिसमें तरह तरह के काम जो हैं वो हम इसमें कर सकते हैं, रिसर्च से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अप्रूवल एनालिसिस और उसके बाद मार्केटिंग। आज 19 बैच का अगर स्टूडेंट माने तो करीब करीब 800-850 स्टूडेंट हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में। अभी लेटेस्ट 19th बैच जो निकला है 100% रिजल्ट उन बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर के इस कॉलेज को दिया है, जो हमारे लिए और इस मैनेजमेंट के लिए गर्व की बात है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पीजी के लिए नाइपर में, जो कि नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च लेवल का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एडमिशन के लिए, प्लस जीपेट जिससे कि AICT से स्कॉलरशिप मिलती है उसके लिए ये लोग अपने आप को क्वालिफाई कर पाए हैं। कि ये कॉलेज जो केवल टीचर ही नहीं बल्कि वो सेवादार, वो गुरुकुल वाले प्रीति बना रहा है जिन्होंने आकर आगे जाकर सेवा करनी है, जिन्होंने अपने बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स देनी है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये कॉलेज अपने आप में यूनिक है। हम यहाँ पर न केवल बच्चों को बीएड की ट्रेनिंग देते हैं बल्कि हम उनको एक जो रियल सेंस में गुरु बनने वाला जो काम है ना, वो शिक्षा यहाँ दी जाती है। सारे मेथड्स प्रॉपर कराए जाते हैं। आई थिंक मेरी नॉलेज में राजस्थान का ये पहला कॉलेज होगा जहाँ पर नॉन अटेंडिंग कल्चर बिल्कुल भी नहीं है।
स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक प्लस मैनुअल दोनों तरह की अटेंडेंस के लिए कंपलसरी है। जितना भी प्रैक्टिकल वर्क है वो प्रॉपरली क्लासेस के अंदर कराया जाता है, मेथड से अपडेट किया जाता है, न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स उनको दी जाती हैं और कोशिश की जाती है कि जो एक आइडियल टीचर के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ हम उनके अंदर बिल्ड कर पाएँ, ताकि आने वाला समय जो, क्योंकि यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड भी है तो उनकी एजुकेशन प्लस टीचर्स ट्रेनिंग दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम यहाँ बेसिक नॉलेज को थोरोली देते हैं, लाइक इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, मेरा एक सिंगल स्टूडेंट ट्यूशंस नहीं जाता, 100% सिलेबस क्लास में होता है, थोरोली होता है, सेलेक्टिव स्टडी नहीं होती। सेम मैनर में बीए बीएड है तो वहाँ पे भी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, लिटरेचर, उसको हम थोरोली कराते हैं, सेलेक्टिव स्टडीज़ के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। कोशिश यही रहती है कि हम अपना 100% दें और उनके अंदर वो क्वालिटीज़ को बिल्ड करें कि आने वाले टाइम में वो कहीं पे भी प्लेस्ड होते हैं तो वो अपना करेंगे। दूसरा जो मेरा कॉलेज के एक अलग जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है, 80% स्टूडेंट गवर्नमेंट में प्लेस्ड है और फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में गवर्नमेंट सीट वो निकाल लेता है, और वो एफर्ट्स स्टूडेंट का, मेरी टीम का और नो डाउट मैनेजमेंट का तो आशीर्वाद है ही उनकी, जो हमारी डिमांड होती है तो वो हमें विद इन 24 आवर्स ट्राई करते हैं कि पूरा कर दें। 23 ईयर्स का लंबा अरसा आपका मैनेजमेंट के साथ है, क्या कहना चाहेंगे? कि बेटा जिसने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैडम आप हमें क्या देंगे, वो कहते हैं आपको क्या चाहिए, और वही कारण है कि ये कॉलेज दिन ब दिन तरक्की की राहों में, नई नई चीज़ें, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और वो चीज़ें जो राजस्थान के चुनिंदा कॉलेजों में है वो यहाँ पर है। सर बिल्कुल आपने सही कहा, ये मैनेजमेंट, नो डाउट मैनेजमेंट है जो काम करवा रही है, लेकिन एम्प्लॉई को एज अ फैमिली मेम्बर समझती है सबसे पहली बात। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं 23 इयर्स से बाहर कहीं काम कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट ने कभी, और ये सच है कि कभी इस काम के लिए हमें ये नहीं कहा कि ये आपको क्यों चाहिए। उनका एक ही रिजल्ट होता है कि इससे स्टूडेंट को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, स्टाफ को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये अगर हमारे यहाँ ऐड ऑन हो जाएगा तो हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट 24 आवर्स रेडी रहती है। मेरा इस कॉलेज में 2005 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, 1 सितंबर 2005, तब से लेकर आज तक मैं इस कॉलेज में हूँ। इससे पहले मैं बिहानी चिल्ड्रंस अकेडमी में थी एज अ पीजीटी इकोनॉमिक्स। मैं इस मैनेजमेंट के साथ में उस वे में काम कर रही हूँ, ना कि एक एम्प्लॉय के फॉर्म में, बट एक जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर, और हमें फैमिली मेम्बर के जैसे ट्रीट किया जाता है। और उनका यही रहता है कि हम सोसाइटी को, स्टाफ को, स्टूडेंट्स को मैक्सिमम क्या दें जिससे कि हम अपने आप को प्रूव कर सकें कि एक क्वालिटी एजुकेशन का मंदिर है, इट इज़ अ टेम्पल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। और वो क्वालिटी एजुकेशन है, कहीं पे भी किसी चीज़ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो और जैसे आप यहाँ बीएड कर रहे हो, कैसा आपको लग रहा है यार? क्या कहना चाहेंगे कि ये वैल्यूज जो हमें यहाँ से मिल रही हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल मैडम हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ अच्छा है, जैसे अनुशासन वगैरह भी है, जिसे डिसिप्लिन की नॉलेज मिल रही है अच्छी, जैसे आगे कैसे बढ़ाना है। और क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जॉब प्लेसमेंट यहाँ 80% जैसे जॉब प्लेसमेंट है, तो लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग राष्ट्रीय टीचर होंगे और हम लोग एक गुरुकुल की तरह पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ आपको सिस्टम मिल रहा है यहाँ पर? तो जैसे अपने गुरुकुल में जो आगे कंपटीशन है ज़्यादा, उसके अपनी खुद की प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है गुरुकुल की तरह पढ़ाया जा रहा है, जैसे टीचर इतनी मेहनत करें, हाँ जी, और वैसे ही आप पढ़ाओगे जाकर? यस सर। एंजॉयिंग सर? हाँ जी सर, एंजॉयिंग। यस सर। यस सर। स्मार्ट बॉय? यस सर। बढ़िया लग रहा है? अच्छा सीख रहे हैं, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सारी मैनेजमेंट अच्छी है, सारे टीचर्स अच्छे हैं, मतलब आप अगर सीखना चाहो तो बहुत कुछ है। हर चीज़ डेवलप, मतलब हर चीज़, कैसे ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, कैसे क्लास मैनेजमेंट करना है, कैसे डिसिप्लिन वगैरह, सब कुछ, हर एक कैसे प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है, मल्टीटास्किंग भी, मल्टीटास्किंग भी।
क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग आप फैमिली में भी एक पॉजिटिव बैटरी की तरह, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम हमारे एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा हमारे में पॉजिटिविटी भरते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। हमारे वाले तो सिखाते हैं, एग्जाम्स हो गया, कोई कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, हम सब कुछ एक साथ हैंडल करना सीख रहे हैं सारी चीज़ों को, कि सारी चीज़ों को साथ में लेके कैसे चलते हैं और कैसे हर एक चीज़ में हमें परफेक्ट होना चाहिए। और जैसे भी कोई फंक्शन होता है तो उसके अंदर कैसे मैनेजमेंट करना है पूरा फंक्शन, और स्किल डेवलपमेंट भी मैम करवाते हैं हमें, मतलब सभी पूरा स्टाफ जो है वो एक यूनिटी के तौर पर बच्चों को अच्छे से सिखाता है। शील कुमार बिहानी क्रिकेट एकेडमी, और जो कि गंगानगर में है, और ये बच्चे हम देख रहे हैं कि उसी एकेडमी से ये एक नई पनीरी बन रहे हैं। बेटा कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी? अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ हर तरह के टिप्स, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे फील्डिंग है, चाहे इंसॉशन है, हर तरह की चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल सिखाई जाती है। जो भी कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो हमारे कोच है धीरे सर, वो सारे डाउट क्लियर कर देते हैं, और जो भी बात होती है अच्छे से समझाते हैं, जो भी चीज़ पूछते हैं, कोई बैटिंग रिलेटेड, कोई बॉलिंग रिलेटेड, कोई फील्डिंग रिलेटेड। क्या कहना चाहेंगे कि ये हमें हारना भी सिखाते हैं, ये बताते हैं कि अगर आपको प्रेशर सिचुएशन है, मान लो आप आउट होकर आ गए, तो उसके बाद फील्डिंग करना है, तो फील्डिंग में आपने अपना मैक्सिमम देना है। जी आप मतलब मेरे हिसाब से आप कोई भी गेम खेलो तो उसमें 100% एफर्ट देना होता है। सब बढ़िया सिखाते हैं अब तक, मतलब मैं जितना खेला हूँ क्रिकेट, सर ने काफ़ी अच्छा बताया है। आपको एक्सपीरियंस मिलता है हार जीत का, हार जीत तो एक पार्ट ऑफ गेम है, तो वो रहता है उस पर। क्या कहना चाहेंगे कि पहले लोगों को इन चीज़ों के लिए चंडीगढ़ या बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन थैंक टू गॉड कि ये जो एकेडमी हमें यहाँ गंगानगर में मिल रही है। पहले बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था एकेडमी के लिए, बढ़िया एकेडमी के लिए, पर अब यहाँ पे भी बहुत बढ़िया बढ़िया एकेडमी होगी सूरतगढ़ में और यहाँ पे भी सब जगह। जय सर। ये समाधि स्थल है भामाशाह सेठ सुशील कुमार बिहानी जी की, जो 8 सितंबर 1996 को अपना देह त्याग कर गए थे। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहानी शिक्षा न्यास को आज जिस स्तर पर पहुंचाने के लिए। जो पौधा गिदारी लाल जी ने रोपा, उसको सींचने का काम जो है वो सेठ सुशील कुमार बिहानी जी ने किया। स्कूल की अध्यापिका कंप्यूटर टीचर, आपको अपनी नई लैब के बारे में बताना चाहूँगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स जो हैं नए लग चुके हैं। यहाँ पर हम 11th और 12th आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम को लेकर आते हैं, जहाँ पर उन्हें नई नई लैंग्वेज जैसे पाइथन, SQL इनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ये लैब अभी बनकर तैयार हुई है, एकदम नई फर्नीचर, नई सॉफ्टवेयर, नए फीचर्स के साथ हमने अपनी कंप्यूटर लैब को तैयार किया है। इसके लिए, इसके अलावा इसमें आजकल के टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर हमें इसके इंट्रोडक्शन और इस जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी स्कूल के अंदर या हमारे मैनेजमेंट के जो सदस्य थे, उन्होंने इसमें हमारी नई लैब को तैयार करके दिया है। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। बहनी सर, जैसे आज हम आए यहाँ पर, हमने सारा विज़िट किया, मज़ा आ गया देखकर कि कैसे आपने एक छोटा सा जो विद्या के दान का पौधा लगाया था, आज कैसे शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है, और कैसे आप लोग समय के साथ बदलते हैं, आपने कैसे चीज़ों को वैसे कन्वर्ट किया कि एक मॉडर्न ईरा की तरफ आप लोग लेकर जा रहे हैं बच्चों को। जैसे हमने बच्चों से लेकर चिल्ड्रन जो एकेडमी आपने बनाई है, जिसमें आपने नई चीज़ें जो है वहाँ पर इंट्रोडक्ट किए हैं, और उसके साथ साथ फार्मेसी कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, कि बच्चा एक बार प्लेवे में आ जाए और यहाँ से अपना फ्यूचर बना कर निकले। क्या कहना चाहेंगे? 1951 में मेरे दादाजी ने हायर सेकेंडरी स्कूल का संकल्प लिया था। उनके जीवन काल में ये हायर सेकेंडरी स्कूल 1958 में कॉलेज बन गया था। उसके साथ धीरे धीरे संस्था आगे बढ़ती गई।
1962 में मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद मेरे पिताजी ने इसका कार्यकाल संभाला, उसके बाद यहाँ लॉ चालू हुई, बीएड चालू हुआ, कॉलेज में भी अलग अलग फैकल्टी आई। 1996 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद मैंने इस संस्था की जिम्मेवारी संभाली। ईश्वर की कृपा और मेरे बुजुर्गों की नेक नीति थी और मेरे दादाजी का जो किया हुआ संकल्प था कि मेरे इलाके के लोग शिक्षा से वंचित ना रहे। क्यों, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, उस वक्त बहुत से लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के गंगानगर ज़िले में आए थे, शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और देश की नई संरचना हो रही थी, तो उस वक्त जो मेरे दादाजी की सोच थी कि समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और शिक्षा युवा पीढ़ी को शिक्षा में आगे बढ़ाना, तो उनकी नेक नीति का फल था कि ये धीरे धीरे संस्था बढ़ती हुई एक वटवृक्ष बन गई। जहाँ तक परिवर्तन की बात है तो परिवर्तन समय की मांग है। पुराने समय में पुराना कंस्ट्रक्शन था, पुरानी विचारधारा के लोग थे, लेकिन जैसे जैसे शताब्दी बदलती गई, दशक बदलते गए, एक नई सोच का उभार हुआ, बच्चे भी आधुनिक बिल्डिंग में आधुनिक उपकरणों से पढ़ने के इच्छुक रहे, तो समय की मांग ने धीरे 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 संस्था में बदलाव किया। हमारा उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार है, न कि शिक्षा के माध्यम से पैसा एकत्रित करना। ट्रस्ट के अंतर्गत ये सारी संस्थाएं चल रही है। आज भी पिछले वर्षों वर्ष से कोई भी बच्चा जो आर्थिक रूप से पैसा देने में असक्षम है, उसको पैसे के अभाव में हम लोग शिक्षा से वंचित नहीं रखते। लगभग 35-40 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो बच्चे पढ़ करके आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं हैं कि वो उनका थोड़ा सा खर्च भी वहन कर सके। तो इसके लिए हमारी ट्रस्ट ने यही उद्देश्य रखा कि पैसे के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की, तो आज भी हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल एक कमर्शियल स्कूल नहीं है। अन्य स्कूल जो इंग्लिश CBSE या CBSE एफिलेटेड हैं, उनके मुकाबले में हमारी फीस आधी है, क्योंकि इस ट्रस्ट का उद्देश्य वही मेरी दादाजी की सोच है कि शिक्षा का व्यापारीकरण ना किया जाए। एक नया प्रकल्प जो शिक्षा में हमने जोड़ा वो IB बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलोरेट। आज की तारीख में बच्चा शिक्षा ग्रहण करके विदेश जाना चाहता है और विदेश जाने के लिए उसको IELTS की परीक्षा देनी पड़ती है। IELTS भी एक व्यापार बन गया, लाखों रुपए उनके उसमें खर्च हो जाते हैं। विदेश में जाने के बाद भी ये स्थायित्व नहीं रहता कि उनको वहाँ उच्च शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए IB बोर्ड हमने शुरू किया, जो हमने 6th क्लास ऑनवर्ड शुरू किया है। 6th क्लास ऑनवर्ड का मतलब ये है कि +2 जब तक बच्चा करेगा उसकी नींव मजबूत रहेगी। जब नींव मजबूत रहेगी तो उस बच्चे को विदेश में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। IELTS वाले तो एक साल का तो समय मैंने ज़्यादा बता दिया, 2-3 महीने में ही तैयारी करवा करके उसको विदेश भेज देते हैं, जिससे कि वो बच्चा वहाँ चल नहीं पाता है। लेकिन जब 6th ऑनवर्ड बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसके अंदर विदेशी शिक्षा का संस्कार भी आएगा और उसकी इच्छा भी इस बात के लिए बनी रहेगी कि मेरे को बड़ी पढ़ाई करने के लिए आगे जाना। बी फार्मेसी कॉलेज जो है ये 100% जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है, और पढ़ाई करने के बाद यदि किसी को काम ना मिले
ये उस पढ़ाई के लिए एक नकारात्मक बात आती है। इसी सोच को दिमाग में रखते हुए हमने डी फार्मेसी और बी फार्मेसी शुरू की। बीएड, बीएसटीसी, फोर ईयर इंटीग्रेटेड, ये भी जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है। जॉब ओरिएंटेड इसमें सरकारी नौकरी के भी रास्ते खुले हैं और प्राइवेट नौकरी के भी रास्ते खुले हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर हो या सरकार के लेवल पर हो। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है और जब शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो अध्यापकों की भी आवश्यकता होगी। उसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमने ये कॉलेज शुरू किए। एक ख़ास बात जो हमारे कॉलेजेज में है, हमारे यहाँ नॉन अटेंडिंग कल्चर नहीं है। यदि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के बाद आगे किसी को शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं और वो भी शिक्षा हम नॉन अटेंडिंग यदि करते हैं तो आगे क्या पढ़ाएंगे? जो युवा पीढ़ी है या जो बाल्यकाल है वो भविष्य की नींव है, और जब उसको पढ़ाने वाला अध्यापक ही कमज़ोर नींव लिए होगा तो वो आगे बच्चे की नींव को क्या तैयार करेगा? ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो इसलिए हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले विद्यार्थी को ये क्लियर कर दिया जाता है कि आप इस चक्कर में मत रहना कि ये नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, आपको अटेंडेंस यहाँ देनी पड़ेगी। 10-5% अटेंडेंस तो किन्हीं कारणों से भी बच्चे की कम हो सकती है, वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन 100% नॉन अटेंडिंग कॉलेज हम इसको नहीं बनाना चाहते। पीजी कॉलेज में भी नए नए संकाय खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जितने भी संकाय दे रही है वो हम खोल रहे हैं। ला कॉलेज गंगानगर का एक स्थापित कॉलेज है हमारा, आपने उसकी मूट कोर्ट भी देखी होगी। मूट कोर्ट हमने बिल्कुल मजिस्ट्रेट के चैम्बर की तरह बनाई है। LLB LLM करने के बाद बच्चा जुडिशरी सर्विस में भी जाता है, वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता है। जब उसको कोर्ट की वस्तु स्थिति का या भौगोलिक स्थिति का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो वाक्या प्रैक्टिस करेगा। तो इसलिए मूट कोर्ट का आयोजन भी निरंतर समय अंतराल होता रहता है, जिसमें स्थानीय कोर्ट के मजिस्ट्रेट भी आते हैं और समय समय पर हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट भी यहाँ हमारे लॉ कॉलेज को विजिट करते रहते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि ईश्वर की अपार कृपा और मेरे दादाजी के पुण्य कर्म और उनकी पुण्य सोच, यही एक कारण है कि ये संस्था दिन ब दिन निरंतर प्रगति करती जा रही है। बाकी हम उनके वंशज हैं, उनके नाम को जीवित रखना, उनके नाम को चलाना हमारा फर्ज भी है और हमारा कर्म भी है। एक बात मैं अपने स्टाफ के लिए कहना चाहूँगा कि जितना अपनत्व और जितना डेडिकेशन हमारी संस्था के स्टाफ का है, उतना डेडिकेशन और अपनत्व आपको किसी अन्य संस्था में नहीं देखने को मिलेगा। कारण मैं जब भी कभी अपना संबोधन करता हूँ तो मैं उनको कर्मचारी अध्यापकगण या बिहानी शिक्षा न्यास के कार्यरत व्यक्तियों के नाम से नहीं करता, मैं हमेशा मेरा संबोधन बिहानी शिक्षा न्यास परिवार के सदस्यगण। जब हम लोग एक परिवार के सूत्र में बंध गए तो ये परिवार है, जितनी जिम्मेदारी मेरी बनती है उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ कार्यरत सभी व्यक्तियों की बनती है। और जब हम एक परिवार का संबोधन करते हैं तो ये एक स्वाभाविक बात है कि परिवार का उत्थान हर व्यक्ति के मन में रहता है, और यही हमारे यहाँ कार्यरत सभी व्यक्तियों के मन में है कि भाई बिहानी शिक्षा न्यास हमारा परिवार है, मेरा घर है, मेरी कार्यस्थली है। परिवार में हम भी अपनी अपनी अलग अलग कार्यस्थली पर काम करते हैं, लेकिन परिवार तो एकजुट रहता है। यदि परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं तो व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए अलग अलग व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार अलग होने का मतलब परिवार में विभाजन नहीं होता।
तो यहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग कार्यरत हैं वो भी एक पारिवारिक सूत्र में बंधे हुए हैं। दुख सुख में भी हम लोग एक दूसरे से कंधा जोड़ करके रहते हैं। विशेष रूप से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 100 बेड का बच्चियों के लिए हॉस्टल है। ये हॉस्टल 3 दरवाजों के अंदर है और उसके साथ हमारे अधिकारियों के क्वार्टर हैं। तो बच्चियाँ, मैं अपनी बच्चियों की तरह उनकी देखभाल करता हूँ। उनका भोजन, उनका नाश्ता, आकस्मिक रूप से जब भी मेरे मन में आती है मैं स्वयं उन बच्चियों का भोजन चेक करता हूँ। अस्वस्थता, चाहे वो दिन में हो या रात में हो, हमारे जो अधिकारीगण बच्चियों के हॉस्टल के पास में रहते हैं या जो हॉस्टल वार्डन है वो इस बात में कतई देरी नहीं करते हैं कि बच्चियों को डॉक्टर के पास ले जाने में समय व्यर्थ किया जाए। तो यहाँ जो बच्चियाँ आती है एक परिवार की तरह रहती है, परिवार की तरह उनको सारी व्यवस्थाएं मिलती है, परिवार की तरह हॉस्टल की सारी व्यवस्थाएं होती है। जो साफ़ सफाई, सुंदरता हम अपने घर में रखते हैं वही व्यवस्था हमने हॉस्टल में बनाई हुई है। क्यों? कि आज कोई भी व्यक्ति अपनी बच्चियों को हमारे भरोसे यहाँ भेजता है तो उसकी पेरेंटल जिम्मेवारी हमारी बन जाती है। तो यदि पेरेंटल जिम्मेवारी हम अपने बच्चों के प्रति जिम्मेवारी से निभाते हैं तो जो बच्चियाँ यहाँ आती है वो भी किसी की बच्चियाँ हैं और यहाँ आने के बाद वो हमारी बच्चियाँ हैं। क्रिकेट अकेडमी मेरे पिता श्री सुशील कुमार जी बिहानी के नाम से, सेठ सुशील कुमार बिहानी, क्रिकेट अकेडमी के नाम से चल रही है। हमारा अनुबंध राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से है। 3 तरह के कोच बच्चों को कोचिंग देते हैं। फिजिकल कोच अलग है, बॉलिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, फील्डिंग के कोच भी फील्डिंग करवाते हैं। और एकदम लश ग्रीन जो क्रिकेट का माहौल है, सिलेक्शन नंबर 1 ये ग्रास ग्राउंड में लगी है जो कि इंटरनेशनल ग्राउंड्स में लगती है। नेट प्रैक्टिस की सुविधा है, नेट प्रैक्टिस में भी आपको टर्फ ग्राउंड अलग मिलेगा, सीमेंटेड ग्राउंड अलग मिलेगा और पिच अलग मिलेगी। पिच का निर्माण भी जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्रिकेट पिच तैयार करते हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं वहाँ से होते हैं, वहाँ से तैयारी की जाती है। आज गंगानगर ने राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान की क्रिकेट को 3 क्रिकेटर दिए। 2 क्रिकेटर अंडर 19 इंडिया टीम में साउथ अफ्रीका टूर पर जाकर आए थे। एक बच्चा यहाँ से अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला। तो गंगानगर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी सिर्फ उनको निखारने की है। लेकिन अब हमारी एकेडमी उन बच्चों को निखार रही है। राजस्थान क्रिकेट में हमारे बच्चे नियमित रूप से अपना कीर्तिमान बना रहे हैं। बच्चों को खेलने की सुविधा के रूप में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो हमारा, हमने खेलों के विस्तार निरंतर किए। बैडमिंटन का भी जो कोर्ट है वो वुडन कोर्ट है। ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पक्के फर्श पर खेलने के लिए बैडमिंटन ग्राउंड बना करके हमने अपनी औपचारिकता पूरी कर दी, नहीं। बैडमिंटन कोर्ट वुडन कोर्ट है, टेबल टेनिस के नीचे भी वुडन फ्लोरिंग है। तो इसलिए एक कुश्ती की एकेडमी भी यहाँ चल रही है जिसमें 15-16 बच्चे गद्दों पर जो कुश्ती मैट होते हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। और उन बच्चों ने भी गंगानगर ज़िले में ही नहीं, राजस्थान लेवल पर कुश्ती करने में अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। वुशू, जूडो, ये जो गेम्स हैं इनके अंदर भी हमारे बच्चों ने राजस्थान लेवल पर नहीं, भारत लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जा कर के पुरस्कार जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ये तीनों मेडल बच्चों ने जीते हैं। तो न केवल शैक्षणिक माहौल बल्कि बच्चों के रहने की सुविधा, बच्चों के खेल की सुविधा, ये भी हम साथ के साथ उपलब्ध करवाते हैं जो कि एक नैतिक कर्तव्य बनता है किसी भी शैक्षणिक संस्था का। तो आज आपके चैनल ने
हमारी संस्था की जो कवरेज की उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि सारे गंगानगर में पंजाब से आकर के आपने हमारी ही संस्था को चुना। ये आपका बड़प्पन, संस्था के प्रति लगाव और किन्हीं न किन्हीं वजह से, चाहे वो यहाँ का अध्यापन कार्य हो, चाहे यहाँ का भवन हो, इसने भी आपको आकर्षित किया कि इस संस्था की तरफ आया जाए। तो एक बार पुनः मैं अपने दिल की गहराइयों से और अपने शब्दों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।